मैं आपको दो स्लीव डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। स्लीव डिजाइन कैसे बनाए, वीडियो में आपको स्लीव डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। ये स्लीव डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। और ये देखिए मैंने स्लीव कट कर लिया है, आपको भी साइज बता दी। देखिए इसकी लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है, आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। और अभी मैं इसकी विड्थ बता देती हूँ। देखिए विड्थ मैंने इसकी 12 इंच ली है, और इसमें हम मोहरी में भी सेम रखा है, मोहरी में हमने कुछ गुलाई सेप नहीं दी है, क्योंकि जो डिजाइन आने वाली है वो मोहरी से ही स्टार्ट होगी, तो मोहरी को इसी तरीके से रहने देना। और अभी हम इसकी मार्किंग करते हैं। ये मैं बिना अस्तर की बना रही हूँ, तो यहाँ पर किनारे पे हम मोहरी में स्टिच कर लेंगे पतली सी सिलाई डाल के। इससे क्या होगा, मोहरी की हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर किनारे पर स्टिच डालेंगे। अगर आप अस्तर वाली बना रहे हैं तो अस्तर के साथ आप इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर हम करने के बाद फिर अभी हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ देते हैं जो हमारा मोहरी का रहेगा। तो देखिए मैंने 4 इंच छोड़ दिया इस साइड में, और सेम 4 इंच हम इस साइड में छोड़ देंगे। अब आप अपनी मोहरी के साइज के अनुसार इसमें छोड़ दें, क्योंकि 8 इंच ये हो जाएगा और बाकी की जो प्लेट आएंगी वो भी रहेगा। तो देखिए इसमें इस तरीके की हम छोटी छोटी प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसकी फिनिशिंग देंगे किनारे पर, उसके बाद फिर इसमें प्लेट डालेंगे और फिर मार्किंग करके फिर और डिजाइन। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने किनारे पर स्टिच डाल दिया है। स्टिच डालने के बाद अभी हम प्लेट डालते हैं। तो देखिए जो मार्किंग है, यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिलाई मोहरी से ही स्टार्ट करते हुए ला रहे हैं। और जो मार्किंग है, यहाँ से हम प्लेट इस तरीके से डालेंगे। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है, किनारे से एकदम किनारे से 1/2 इंच छोड़ के हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक स्टिच डाल दिया है। अभी इन प्लेटों को हम इसी तरीके से देखिए रख लें, यहाँ पर ऐसे हाथ से इस तरीके से दबा देंगे, देखिए कितनी सुंदर लगेंगी। और जो हम सिलाई लगाएंगे उसमें भी आसानी रहेगी। अभी हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने ये सिलाई डाली है प्लेट की, यहाँ से हम 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच पर ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मार्किंग करना। तो टेप को इस तरीके से रख लेंगे देखिए, और एक लाइन ड्रॉ कर। तो देखिए इस तरीके की ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अभी इसी लाइन पे हम एक स्टिचिंग डाल देते हैं। तो देखिए ये प्लेट है मैंने डाल दी है। अभी हम जो ऊपर वाली प्लेट है इनको भी पहले स्टिच कर देते हैं, तो सेम शेप में जो शेप आ रही है। अभी जो ये प्लेट हमने डाली है, अभी हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं, और फिर से हम यहाँ से इसके बीचों बीच में से एक स्टिचिंग डालते हुए लाइन। अभी देखिए जो ये प्लेट हैं, इन प्लेटों को हम इस तरीके से पलट देंगे, यहाँ इस तरीके से पलटते हुए सिलाई डालेंगे। तो देखिए ये प्लेट अभी हमारी पड़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर ये डिजाइन हमारी सेंटर में दिख रही है। अभी देखिए मैंने कुछ ये गोल्डन मोती लिए हैं। अभी एक लाइन जो हमने ये फ्रिल डाली थी, इसको तो छोड़ ही दें, ये तो फिनिशिंग की लाइन है। यहाँ पे एक लाइन पूरा अपना सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, जहाँ तक हमारा सिलाई जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ तक फिटिंग रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इतना छोड़ देंगे। यहाँ से एक लाइन जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर मोती स्टिच करेंगे, और एक लाइन जो हमारी ये सेंटर में डिजाइन है इस पर मोती स्टिच करेंगे, और एक लाइन यहाँ पे ऊपर हमारा इसी तरीके का पफ आ जाएगा। तो ये डिजाइन काफ़ी सुंदर लगती है पहनने के बाद। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ से जैसे मार्जिन छोड़ने के बाद स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर आप स्टार्टिंग से लगा लेंगे तो जब फिटिंग करेंगे तो वेस्टेज भी होगा और आपकी सुई भी टूटेगी मशीन की। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मोती ले लिए, और यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। 4 फोल्डिंग का धागा ले लें, इससे जल्दी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से एक मोती कर दिया, थोड़ा सा गैप दे देंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम पास में करना है, थोड़ा सा गैप दे दे के स्टिच कर लें। फिर से एक मोती यहाँ पर स्टिच कर देंगे, देखिए इस तरीके से ये मोती की लाइन आ जाएगी। तो ये मैं तीनों लाइन पर मोती स्टिच कर देती हूँ, और फिर साइज़ के अनुसार इसकी फिटिंग कर देंगे। तो देखिए ये मैंने तीनों लाइन पर ये मोती स्टिच कर दी। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, एक लाइन जो हमने प्लेट को पलट दिया था, ये डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है बीच में, और एक लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है। और देखिए शोल्डर पे हमारा ये पफ आ जाएगा। पहनने के बाद इसका लुक देखिए कितना सुंदर आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से स्लीव डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज। We'll be right back.
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।